सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू फ्यूचर है दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे वायर कटर के बारे में कि वायर कटर कैसे इस्तेमाल हम करते हैं। हमारे पास दो कंपनी के हैं, एक तो पाए कंपनी का है और एक ईगो कंपनी का। क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, हम तारों को छीलते थे, बड़ी दिक्कत आती थी, एक्यूरेसी से इतनी छील नहीं जाती थी। तो आज हम किस तरीके से करते हैं, पहले किस तरीके से करते हैं, आज वीडियो इसी के ऊपर है। और दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको दो बातें कहना चाहता हूं कि वीडियो आपने पूरी देखनी, स्किप नहीं करनी, छोटी सी वीडियो है ये, आप मेरे कारपेंटर भाइयों के बहुत काम आने वाली है, इलेक्ट्रिशियन भाइयों के भी काम आएगी। चलो ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आमतौर पर क्या होता है, वायर वगैरह जैसे हमने छीलनी होती है तो हमारे कारपेंटर को भाइयों के पास इलेक्ट्रिक टूल वगैरह नहीं होते तो हम इनसे छीलते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है, ये अंदर का कॉपर डैमेज हो जाता है, प्रॉपर तरीके से छीला नहीं जाता और एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा इसमें चांस होता है। जैसे ये मैंने छीला, दो तीन तारें इसके अंदर डैमेज होगी और जैसे फिनिशिंग भी नहीं आएगी। और दोस्तों ये पाए कंपनी का है, वायर कटर से बोलते हैं हम लोग। हाँ, इसका जो सा प्राइस है 45 या 50 रुपये के करीब आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर ये छोटा सा लॉक लगा होता है, कल को आपने लॉक करके रखना तो इसके ये ओपन नहीं होगा, यहाँ से अगर आपने खोलना ये ओपन हो जाएगा। और दोस्तों इस तरीके से हम वायर इसके साथ बड़ी आसानी से काट सकते हैं। ये देखिए इसमें छीली तो फिर हमसे इससे भी नहीं जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रिशियन भाई तो छील लेते हैं। हमने क्या करना, हल्का सा इसको टेढ़ा करना, इंसुलिन नहीं इसका, ये ऊपर का जो सा इसका प्लास्टिक है ये ऐसे, ये देखिए इस तरीके से इसका ऊपर का, ये भी फिर भी हमसे नहीं पूरा छीला जा रहा, ठीक है ना। देखो डैमेज हो रही है वायर वगैरह, हम जब इसको ऐसे करके काटते हैं तो हमारी कॉपर की ये वायरिंग डैमेज हो रही है इससे, देखो। तो इसका आसान तरीका का और इससे अच्छा टूल कौन सा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलेंगे, ये हमारा ईगो कंपनी का है, इसको भी वायर कटर बोलते हैं, ठीक है। अब मैं इसको विस्तार से आपको बताता हूँ। ये इसमें दोस्तों इसके अंदर स्केल दिया हुआ है भी, आपको कितने mm तक आपको काटनी है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ये हमने एडजस्ट कर लिया है, हमने 19 mm वायर काटनी है, 12 mm काटनी है, तो इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मोटी तार है तो हम पावर इधर की तरफ कर देंगे, पावर इसकी बढ़ जाएगी क्लच की, और अगर हल्की तार है हमारी तो हम इसको उल्टी लेफ्ट की तरफ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा इसका थ्री पॉइंट क्या है, हम जहाँ से इसकी कटिंग कर सकते हैं वायर की, ये देखिए हम इसकी बड़ी फिनिशिंग से होगी ये कटिंग। ये देखो मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये देखो तार मैंने दोनों तरफ आपको नजर आ रही होगी कैमरे में, ये देखिए कितनी फिनिशिंग से होगी, ठीक है। अब हमने तार छीलनी है, मेन मुद्दा हमारा तार छीलने का है। अब देखो हमने ये स्केल है, नीचे आपको नजर आ रहा होगा स्केल, ये देखिए स्केल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखो इधर भी आपको नजर आ रहे हैं और दोनों तरफ दोस्तों इसमें दे रखे हैं। अब हमने क्या करना है, ये हमने वायर ली, ये हमने इस पर लॉक पर अटका दी और हमने इसको क्या किया, ये प्रेशर किया, ये देखो ये हमारा दोस्तों कॉपर भी डैमेज नहीं हुआ इससे और बड़ी फिनिशिंग के साथ हमारी ये कटिंग हो गई है। और मैं इसको फिर आगे से काट देंगे, यहाँ से हम यहाँ से फिर काट देंगे और फिर थोड़ी सी हम ज़्यादा आगे लंबी लेंगे। हम क्या करेंगे, स्केल को थोड़ा सा हमने और आगे कर दिया इसको, ठीक है। और हमने क्या किया, और इसके आगे यहाँ हमने अटका दिया, ठीक है। और इसको ऐसे किया और हमने ऐसे इसका हल्का सा प्रेशर करना ये किया दोस्तों, ये इसका निकल गया ऊपर का, ठीक है। और ये हमने निकाल दिया इसकी, दोस्तों देखो ये पीवीसी कोटिंग निकल गई है और एक भी इसकी कॉपर की तार डैमेज नहीं हुई है और फिनिशिंग की फिनिशिंग रहती है इसके अंदर, पावर कम नहीं होती है। तो दोस्तों इन टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये मार्केट में ये मिलेगा आपको 250 का या 290 का दे देंगे आपको। और ये वाला जो सा पाए कंपनी का है वायर कटर, ये आपको 45 से 50 की रेंज में मिल जाएंगे। दोस्तों ये वाले टूल मैं बेचता नहीं हूँ, ये आपको इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर आम मिल जाएंगे आपको, यहाँ से वायर वगैरह स्विच वगैरह हम लेते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा यही था कि आप भाइयों की हेल्प हो जाए, किसी न किसी ढंग से आप लोगों को पता लग जाए मेरे भाइयों को, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आमतौर पर हम लोगों को पता नहीं लगता कि इसका क्या चीज़ है, क्या नाम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनके ऊपर भी वीडियो बना दूं आपके, जो से इलेक्ट्रिशियन आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, उनको भी पता नहीं होता
तो आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हो इलेक्ट्रिशियन की दुकान से। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन आपने इसको जरूर दबा देना कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपने वीडियो शेयर करनी और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।